मनोज कुमार इस फोटो में एक खूबसूरत एक्ट्रेस का हाथ पकड़े हुए हैं। ये लड़की अपने समय की टॉप एक्ट्रेस है। इसका नाम सईदा खान था। सईदा ने अपने समय में कई फिल्मों में नजर आई थी। सईदा खान ने 1960 में आई फिल्म हनीमून से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके हीरो मनोज कुमार थे। 1960 में सईदा की एक और फिल्म आई जिसका नाम अपना हाथ जगन्नाथ था। इस फिल्म में सईदा खान के साथ किशोर कुमार हीरो थे। 1961 में फिल्म कांच की गुड़िया आई। इस फिल्म में सईदा खान के हीरो मनोज कुमार थे और ये फिल्म सफल रही। सईदा खान इस फिल्म के बाद टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई थी। सईदा खान ने फिल्म निर्माता ब्रिज मोहन से 1971 में शादी की थी। ब्रिज मोहन ने फिल्म ये रात फिर ना आएगी, चोरी मेरा नाम, विक्टोरिया नंबर 203 जैसी सफल फिल्में बनाई थी। सईदा और ब्रिज के दो बच्चे हुए। हालांकि कुछ सालों बाद दोनों का रिश्ता खराब हो गया था। 1990 में बेटे कमल के जन्मदिन पर जब पार्टी चल रही थी तो ब्रिज मोहन शराब पीकर आए और सईदा से झगड़ा करने लगे। तब उनकी बेटी अपनी मां को बचाने बीच में आई तो ब्रिज मोहन ने उसे भी गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर जब उनका बेटा बचाने के लिए आया तो ब्रिज मोहन ने उस पर भी गोली चलाई, लेकिन उनका बेटा बच गया। इसके बाद ब्रिज मोहन ने भी खुद को गोली मार ली थी और आत्महत्या कर ली थी।